हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं रूबरू और हमेशा की तरह मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त अभिलाषा पाठक। आज हम आपको जिनसे मिलवाने जा रहे हैं वो हैं एक वुमेन एंटरप्रेन्योर। इन्हें गोल्डन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि गोल्ड फेशियल, नेल एक्सटेंशन और परमानेंट मेकअप जैसे कई ब्यूटी टेक्निक्स इन्होंने हमारे देश में इंट्रोड्यूस किया। डॉक्टर भारती तनेजा एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने लोगों को खूबसूरत दिखने के ना सिर्फ गुर सिखाए बल्कि अपने आप को बेहतरीन ढंग से कैरी करने का सलीका और खूबसूरती के सही मायने भी बताए। दिल्ली में पली बढ़ी भारती बचपन से ही पढ़ाई में होनहार और कलात्मक गुणों से परिपूर्ण थी। उनकी चाह बचपन से ही कुछ ऐसा करने की थी जिससे दुनिया में उनका नाम हो और एक अलग पहचान बने। दौलतराम कॉलेज से बीएससी करने के बाद उन्होंने बीएड किया और दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही रशियन लैंग्वेज भी सीखी। दिल्ली के एक स्कूल में टीचर के तौर पर काम कर रही भारती ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका पैशन एक दिन उनका प्रोफेशन बनेगा, लेकिन राह इतनी आसान नहीं थी। शादी के बाद भारती को काम करने की इजाजत नहीं थी क्योंकि उनके बच्चे छोटे थे और उन्होंने घर और बच्चों की परवरिश को अपनी पहली जिम्मेदारी समझी। भारती के दिन तो गुजर रहे थे रोजमर्रा के कामों में, लेकिन कहीं न कहीं दिमाग कुछ अलग करने की चाह बुन रहा था और इस चाह ने उड़ान भरी करीब 10 साल बाद जब उनकी माँ जैसी सास ने उनकी सभी जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर ले लिया। 1988 में भारती तनेजा ने महज 2000 रुपयों से अपने बिजनेस की नींव रखी और इसे नाम दिया एल्प्स कॉस्मेटिक क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड। बतौर साइंस स्टूडेंट भारती ने पहले ही ये सोच लिया था कि उन्हें अपने कस्टमर्स को ना सिर्फ ऊपरी तौर पर खूबसूरत बनाना है बल्कि उनकी सारी समस्याओं को जड़ से खत्म करना है, जिसकी वजह से भारती ने एक पार्लर नहीं बल्कि क्लिनिक की सोच को जन्म दिया। अपनी सर्विसेज को और बेहतरीन बनाने के लिए भारती ने अपने आप को आयुर्वेद और मैग्नेटोथेरेपी में स्पेशलाइज किया और हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, बैंकॉक से कॉस्मेटोलॉजी, आरोमाथेरेपी और नेल आर्ट जैसे एडवांस ब्यूटी कोर्सेज किए और आज एल्प्स कॉस्मेटिक क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड के दिल्ली एनसीआर में कुल 9 सेंटर्स हैं और एल्प्स के पूरे देश में कई जगह पर अकेडमी है जहाँ से स्टूडेंट्स ब्यूटी एंड फैशन के कोर्स कर बेहतरीन करियर बना सकते हैं। भारती को गोल्डन लेडी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने 24 कैरेट गोल्ड फेशियल भारत में इंट्रोड्यूस किया। साथ ही नेल आर्ट, परमानेंट मेकअप, लेजर ट्रीटमेंट जैसे एडवांस ब्यूटी ट्रीटमेंट्स को भारत में पॉपुलर बनाया। एक ब्यूटी एक्सपर्ट के तौर पर कई सेलिब्रिटीज को भी ग्रूम किया जैसे माधुरी दीक्षित, सुष्मिता सेन, टॉम ऑल्टर, रिया सेन, रायमा सेन। ब्यूटी एंड फैशन में उनके उल्लेखनीय काम के लिए कई अवार्ड्स मिले जैसे वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड, गोल्ड मेडल फॉर ब्यूटी केयर, द मिलेनियम वुमेन अवार्ड, टैलेंटेड अवार्ड, द एक्सीलेंस अवार्ड, राष्ट्रीय एकता पुरस्कार। भारती की सबसे बड़ी खासियत उनकी विश्वसनीयता है। उन्होंने कभी भी अपने क्लाइंट को खूबसूरती को लेकर झूठे ख्वाब नहीं दिखाए बल्कि नेचुरल ब्यूटी को और बेहतरीन बनाने में मदद दी। घरेलू महिलाओं में आत्मविश्वास जगाया। ब्यूटी सर्विसेज जिसके सिर्फ उच्च वर्ग के लोग शौकीन थे उसकी खासियत और फायदे को हर तबके की महिलाओं तक पहुंचाया, क्योंकि भारती ये मानती हैं कि खूबसूरत दिखना हर किसी का हक है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एल्प्स कॉस्मेटिक प्राइवेट लिमिटेड की फाउंडर एंड चेयरमैन भारती तनेजा की। आइए उनसे बातचीत करते हैं। मैम बताइए किस तरह से शुरुआत हुई एल्प्स ब्यूटी क्लिनिक की? 25 साल पहले मैंने अपने छोटे से एक बेडरूम में ड्रेसिंग टेबल के साथ 2000 रुपए के साथ एक पार्लर क्रिएट किया था। धीरे धीरे करके पूरा घर कन्वर्ट कर दिया एक क्लिनिक में। क्या कोई भी इंटेंशन था इस ब्यूटी प्रोफेशन में आने का? मेहंदी लगाना, डिज़ाइनिंग करना, ज्वेलरी डिज़ाइन करना, ये सब काम मैं शुरू से बचपन से ही करती थी, तो इंटरेस्ट तो शुरू से ही था। और बिजनेस की तरह मैं इसको ले पाऊंगी इसका कुछ पता नहीं था, वो धीरे धीरे करके चांसेस बनते गए। पढ़ाई लिखाई आपकी किस तरह से करी? आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली, दिल्ली में पढ़ी हूँ। मैंने बीएससी की दौलतराम कॉलेज से ही
बीएड की, देन रशियन लैंग्वेज की, फिर शादी हो गई. शादी के बाद मैंने 10 साल कुछ नहीं किया. 10 साल आई वॉज लुकिंग आफ्टर माई फैमिली, माई हस्बैंड. और उसके बाद जब मेरी मदर लॉ रिटायर हुई तो उन्होंने बोला कि अब तुम जो करना चाहो आई कैन लुक आफ्टर द फैमिली. तो मैंने जब सोचा कि कुछ करना है तो मुझे लगा अगर पैशन को प्रोफेशन बना लिया जाए तो उससे ज़्यादा अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती. यू कैन डू वेरी वेल. सबसे बड़ा चैलेंज क्या था एल्प्स को इस मकाम तक लाने में? पैसा तो एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है. इतने कम पैसे शुरू कर सकते हो तो आप जो चाहते हो वो कर नहीं पाते हो और आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, विच आई डिड. और मैंने ये किया कि जो पैसा मैंने लगाया उसमें से जब भी जितना पैसा आया सारा का सारा अपने पैसे कोई बढ़ाती थी उसी को आगे नई टेक्निक्स में, नई मशीन्स लाने में, नए प्रोडक्ट्स डेवलप करने में, हर चीज़ को डेवलप करने में मैंने पैसा लगाया. किसी भी बिज़नेस को एक्सपैंड करने के लिए उस बिज़नेस का नॉलेज आपके अंदर होना ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. तो अपनी नॉलेज को इनरिच करने के लिए इस क्या क्या स्किल्स आपने सीखे और कहाँ कहाँ से सीखे? बिज़नेस को आगे अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो अपने आप को अप टू डेट करना बहुत ही ज़रूरी है. मैं कोई हेयर स्टाइल देखती थी, कुछ भी देखती थी, मुझे लगता हाँ ये तो मैं कर नहीं सकती, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे करना. तो मैं बाहर गई, पहले सबसे पहले बैंकॉक जाती रही कुछ साल तक, 2-3 साल तक. उसके बाद हांगकांग जाना शुरू हुई, उसके बाद लंदन, अमेरिका. फिर ये तो कारवां चलता रहा, हम लोग सीखते रहे. और अभी भी मैं सोचती हूँ कि जितना मुझे कहीं से भी नॉलेज मिलती है तो मुझे ज़रूर सीखनी है. तो मैंने एरोमा थेरेपी सीखी, मैग्नेटो थेरेपी सीखी, मैंने यहाँ पे स्पेशलाइजेशन की मैग्नेटो थेरेपी में. बहुत मुझे लगता है कि बहुत सारी थेरेपीज ऐसी हैं जो आपको स्किन को ट्रीट करने में हेल्प कर सकती हैं. तो मैंने वो सभी तरह की थेरेपी सीखी. और एक मैंने बहुत अच्छा कोर्स किया बैंकॉक से, दैट वाज लॉन्ग टाइम बैक, 1990 में मैं करके आई थी. और वो था परमानेंट मेकअप. आप लगता था कि परमानेंट मेकअप से वही कराएंगे जिनको फैशन की ज़रूरत है, लेकिन सच बात यह है कि परमानेंट मेकअप इज़ फॉर दोज पीपल हु नीड इट, यू नो, जब आपकी ज़रूरत होती है. एक मैं आपको इसके लिए केस बता सकती हूँ. एक लड़की आई जिसको थायराइड था, बाल 80% समय लीजिए जा चुके थे, आईब्रोज पे एक भी बाल नहीं था, आई लैशेज भी नहीं थी, वो बाथरूम से बाहर भी नहीं निकल सकती थी. मेरे पास आई तो मैंने उनके आईब्रोज बनाए और उसके लाइनर दिया, काजल दिया, तो लैशेज की कमी ख़त्म हो गई, आईब्रोज बन गए, फेस की शेप आ गई. एंड विद इन 2 डेज उसकी एंगेजमेंट हो गई. तो इट वॉज यू नो सच अ हैप्पी फीलिंग, यू नो, उस वक्त लगता है कि हाँ मैंने ज़िंदगी में किसी को कुछ करके दिया. इसी तरह से कुछ लोगों के ल्यूकोडर्मा पैचेस हो जाते हैं, शादी नहीं होती, बोलते कोई ये बीमारी नहीं है पर खूबसूरती में ज़रूर खराबी लाता है. और बहुत बार शादी होने में परेशानी होती है, जॉब मिलने में परेशानी होती है. तो मैंने ऐसे कितने लोगों को हेल्प की जिनको जॉब मिल गई या शादी हो गई, ल्यूकोडर्मा पैचेस को मैंने कलर कर दिया थ्रू परमानेंट मेकअप. तो मुझे लगता है कि वो दिन मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी भरा होता है जिस दिन किसी की मैं कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करती हूँ और उनको ज़िंदगी में कॉन्फिडेंस देती हूँ या कुछ अचीव करने का मौका देती हूँ. तो वो दिन मेरे लिए बहुत ही खुशी का होता है. अभी भी कई लोगों को ये क्लियर नहीं है कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन पार्लर एंड अ क्लिनिक. और आपने शुरुआत में ही अपनी कंपनी का नाम एल्प्स ब्यूटी क्लिनिक रखा, क्या सोच थी उसके पीछे? लोग जाते हैं पार्लर में और सोचते हैं कि वो डॉक्टर के पास जा रहे हैं. मेरे एक्ने हैं, मेरे मार्क्स हैं, कोई फेशियल कर दो जिससे मैं ठीक हो जाऊँ. अब कोई फेशियल एक्ने को ठीक नहीं कर सकता, मार्क्स को ठीक नहीं कर सकता, पिगमेंटेशन को ठीक नहीं कर सकता. उसके लिए ज़रूरी है ट्रीटमेंट. और जब हम ट्रीटमेंट की बात करें तो इंटरनल ट्रीटमेंट करना उतना ही ज़रूरी है जितना एक्सटर्नल. जी, दोनों काम करेंगे तो ही हम किसी को ट्रीट कर सकते हैं. तो उस वक्त जो सबसे ज़्यादा चीज़ मेरे काम आई वो थी मेरी एजुकेशन. जो लोग कहते थे कि आप पढ़ लिख के सब वेस्ट कर दिया, बट आई थिंक उसी को मैंने सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया. मैंने अपनी साइंस की एजुकेशन को आयुर्वेदा में, फिर मैंने स्पेशलाइजेशन की एरोमा थेरेपी में की, मैग्नेटो थेरेपी में भी इसीलिए की कि उन सारी चीज़ों को मैं लेके आई टू ट्रीट द स्किन इंटरनली एंड एक्सटर्नली इस बार. तो मैंने अपनी एजुकेशन और प्रोफेशन को मिला के किसी को ट्रीट करना सीखा. तो वो ट्रीटमेंट जब हम करते हैं तो वी कैन कॉल अवर पार्लर अ कॉस्मेटिक क्लिनिक. आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस जब आप पढ़े लिखे हो और कोई आपको बोल दे वो मेकअप वाली को बुला देना ज़रा,
तो बहुत ही बुरा लगता है। शुरू शुरू में जब मैं स्टूडियोज़ में मेकअप करने गई तो लोगों ने इस तरह से बोला, तो आई जस्ट थॉट कि आई डोंट वांट टू गो फॉर दैट, मैं अपने क्लिनिक पे ज़्यादा ध्यान दूंगी। पर मेकअप से तो कभी छूट ही नहीं सकता, मेकअप वाली ना बनके मेकअप एक्सपर्ट बनने की सोची। एंड अब ये अच्छी बात यह है कि इस वक्त ब्यूटी को बहुत ज़्यादा अच्छा दर्जा मिल रहा है। कुछ अपने अकेडमी के बारे में बताइए, अभी तक कितने लोगों को ट्रेन किया है आपने? हम लोग जब पढ़ाते हैं तो बहुत ही सीरियसली हम लोग पढ़ाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो कोई सचमुच में इस प्रोफेशन में आगे जाना चाहता है, जो पूरी दुनिया को सुंदर बनाने की सोचता है, उसको मौका मिलना चाहिए। और पढ़ते वक्त मैं एक बात का ध्यान रखती हूँ, खुद साइंस स्टूडेंट हूँ तो मैं साइंटिफिकली पढ़ाती हूँ, बेसिक थ्योरी ज़रूर आनी चाहिए, सब कुछ समझ आना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकली उनको हाथ के जो कारीगरी है वो तो आनी ही चाहिए, लेकिन समझ कि वो क्या कर रहे हैं, उसका क्या फ़ायदा होने वाला है, ये भी उतना ही ज़रूरी है। जो लोग इस प्रोफेशन में हैं या छोटे छोटे शहरों में भी जिन्होंने पार्लर्स खोले हुए हैं, वो अगर इस वक्त आपको देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या सीख देना चाहेंगी? हम काम करते हैं स्किन पे, हेयर पे, तो उस वक्त बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो भी आप करें वो बहुत अच्छा करें, कोई गलती ना हो। इसलिए जब भी आप अपना पार्लर खोलना चाहते हैं तो ज़रूर देखें कि आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़े, जहाँ साइंटिफिकली आपको नॉलेज दी जाए, इंटरनल नॉलेज दी जाए। अभी मैं जहाँ खड़ी हूँ यहाँ पर ना सिर्फ इनका ब्यूटी क्लिनिक है बल्कि एकेडमी भी है, आइए उन्हें और करीब से जानते हैं। इस वक्त मैं खड़ी हूँ एल्प्स एकेडमी में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो सीख रहे हैं मेकअप, और भारती मैम हमारे साथ हैं। भारती मैम, एकेडमी कैसे आपके जहन में आया कि सिखाना चाहिए और भी लोगों को ब्यूटी अच्छी तरह से उन्हें बताना चाहिए, ये आइडिया कैसे आया जहन में? मेरी इच्छा शुरू से रही थी कि मैं आई वॉन्ट टू मेक द वर्ल्ड ब्यूटीफुल, और अगर आप सारी दुनिया में खुद तो नहीं पहुँच सकते तो पहुँचने का मुझे लगता है इससे अच्छा तरीका कोई हो नहीं सकता। यू हैव लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो आप ही के जैसे दुनिया को खूबसूरत बना पाएँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि एकेडमी हो, और पढ़ाना मुझे शुरू से बहुत पसंद है। बिल्कुल, करिकुलम कैसे आपने तय किया और क्या क्या है, क्या क्या यहाँ पढ़ाया जाता है? देखिए, करिकुलम तय करते वक्त हम ध्यान रखते हैं कि वो इंटरनेशनली उसके बिल्कुल साथ चले, जैसे बाहर लोगों को जितनी ज़रूरत होती है। कल कोई मेरा स्टूडेंट, मतलब जो रोज़ ही जाते हैं, खैर तो स्टूडेंट बाहर जब जाते हैं तो उनको कोई दिक्कत ना हो, वो उतना हम पढ़ाएं और उतना डीपली, वैसे भी साइंस स्टूडेंट हूँ तो साइंस पढ़ाती हूँ, साइंटिफिकली इतना अच्छे से पढ़ा दूँ कि दुनिया के किसी भी कोने में जाएँ तो उतना ही अच्छा काम कर पाएँ जैसा मुझे पसंद है। यहाँ के बच्चों को क्या आप स्पेशल टिप्स देते हैं कि इनका मेकअप अलग हो? किसी को भी खूबसूरत बनाना के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि बेस अच्छा हो, आई मेकअप बहुत अच्छा हो, और वैरायटी तो हम खैर खूब सारी वैरायटी सिखाते हैं कि अभी इस वक्त बेसिक मेकअप ही है, लेकिन एडवांस मेकअप की क्लास हो तो एडवांस मेकअप में हम लोग पूरा अपनी क्रिएटिविटी बच्चे दिखा पाएँ, इस तरह सिखाते हैं। बच्चे विच बनाते हैं, फ्लावर्स बनाते हैं, किसी को भी कोई एनिमल बना देते हैं, बहुत तरह की चीज़ें सीखते हैं। भारती मैम, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि कितना वक्त आप दे पाती हैं स्टूडेंट्स को? हर बैच में कम से कम एक क्लास मेरी ज़रूर होती है, एक मेरी छोटी बेटी जो है वो ज़रूर लेती है, वो मेकअप की लेती है, मैं स्किन केयर की लेती हूँ, और बड़ी वाली हेयर केयर की लेती है, मैं हेयर स्टाइल्स की भी एक क्लास लेती हूँ। सो इन बिटवीन बीच बीच में जैसे केमिकल्स किया तो वो गुंजन लेगी, मेकअप किया तो ईशिका लेगी, तो हम लोग कुछ क्लासेस बीच में ज़रूर लेते रहते हैं। एक परफेक्ट हेयर स्टाइल आपकी पूरी पर्सनालिटी को बदल सकता है, और मैं यहाँ पे देख सकती हूँ सभी को यही सिखाया जा रहा है, हेयर स्टाइल कैसे बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। मैम, आपके इंस्टीट्यूट की क्या खासियत है? हम लोग नॉर्मल जो लोग सीखते हैं बेसिक हेयर स्टाइल, बेसिक हेयर कट्स वो तो कराते ही हैं, लेकिन हम लोग एडवांस हेयर कट, एडवांस हेयर स्टाइल जो ब्यूटिशियंस ऑलरेडी ब्यूटी पार्लर चला रही हैं या कहीं जॉब कर रहे हैं, वो लोग भी बहुत आते हैं एडवांस कोर्सेज करने के लिए, एडवांस कट के लिए, एडवांस हेयर स्टाइल, केमिकल आजकल जो यूज़ होते हैं, स्ट्रेटनिंग है, पर्मिंग है, कलरिंग है, स्पा है, वैसी चीज़ें सीखने के लिए भी आते हैं, एडवांस मेकअप के लिए भी आते हैं, तो सभी तरह के एडवांस कोर्सेज होते हैं जो हम लोग वैसे तो हम यूज़ करते हैं अपने ज़िंदगी में, पर सिखाते भी हैं,
जी बहुत बढ़िया। मैं चाहती हूँ कि आप हमें थोड़ा सा एडवांस ट्रीटमेंट, ब्यूटी ट्रीटमेंट्स जिसे आपने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, उनके बारे में भी बताएं, उन्हें बेहतर तरीके से हमारे दर्शक समझ सकें कि आखिर लोगों को खूबसूरत बनाने में अगर भारती तनेजा के पास कई दशकों का एक्सपीरियंस है तो वो कैसे। आइए। तो अभिलाषा, ये हमारा ब्यूटी रूम है जहाँ हम सुबह ब्यूटी सिखाते हैं और शाम को ट्रीटमेंट्स करना सिखाते हैं। तो हमेशा शाम को एडवांस क्लासेस चलती हैं, मॉर्निंग में बेसिक चलती हैं। यहाँ पे फेशियल सिखाए जाते हैं, देन स्किन ट्रीटमेंट्स कितनी तरह से, हर तरह से स्किन को चेक करके फिर कैसे करते हैं और मशीन्स का इस्तेमाल भी होता है। तो ये सारा कुछ, ये सब स्टूडेंट्स हैं जो फेशियल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर फिर सीखते भी हैं, देखते भी हैं। एंड टीचर्स आर देयर टू लुक आफ्टर। मैम बताइए हमें कुछ लेज़र ट्रीटमेंट के बारे में। बहुत सालों पहले, ऑलमोस्ट 23-24 ईयर्स बैक मैं लेज़र्स लेके आई थी। तब इंडिया में लोग बहुत डरते थे कि मिथ्स भी बहुत सारे थे कि लेज़र से स्किन ख़राब हो जाती है, पर ऐसा नहीं है। लेज़र, कौन सी लेज़र इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन इस्तेमाल कर रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। कितनी देर के लिए, अगर समझदार हो तो बहुत अच्छे से उसको फ़ायदा उठा सकते हैं, लेज़र स्किन को काट सकते हैं, लेकिन लेज़र स्किन को रीजनरेट कर सकती है, किसी को बहुत ज़्यादा यंग बना सकती है, लेज़र बालों को उड़ा सकती है हमेशा के लिए। जैसे ये एक पल्स लाइट है, वी हैव लेज़र्स एज वेल, इससे बाल जो है टोटली रिमूव हो जाते हैं या कह सकते हैं बहुत ही रिड्यूस हो जाते हैं। लेकिन लेज़र ऐसे भी हैं जो बालों को उगा सकते हैं, हमारे पास कई लेज़र जिनसे बाल ग्रो हो जाते हैं। सो वी हैव लॉट ऑफ टेक्निक्स, हम लोग बहुत सारी टेक्निक्स ऐसी लेके आए हैं जिनसे कि बहुत सारा फ़ायदे हो जाते हैं। कितना फ़र्क आया है पहले से एक नॉर्मल ब्यूटी ट्रीटमेंट देने से और ये एडवांस ट्रीटमेंट देने से? बिना टेक्निक्स के किसी को ठीक से ट्रीट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग यहाँ पे डॉक्टर्स रखते हैं हमारे यहाँ, जो कि ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, और साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो उनकी मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं। जब तक हम लोग मेडिकल हिस्ट्री लेके ट्रीटमेंट नहीं करते, ज़रूरत हो तो साथ में मेडिसिन नहीं देते, तो किसी को इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरह से ट्रीट करेंगे तभी किसी को ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम की जड़ को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। तो राइट टेक्निक, राइट प्रोडक्ट एंड राइट काइंड ऑफ मेडिसिन इफ़ नीडेड, मेडिकल हिस्ट्री लेने के बाद इंटरनली एक्सटर्नली किसी को ट्रीट करेंगे तो ही वो ठीक हो सकता है। बिल्कुल, आपसे बात करके और यहाँ पे एक्साइटेड जो स्टूडेंट्स हैं जो इतना कुछ सीख रहे हैं, वो यही हम समझ पा रहे हैं कि अपने काम में ईमानदारी बहुत ज़रूरी है और ये बहुत ज़रूरी है कि जो आप कर रहे हैं वो कितना सही है। और अब हम आ गए हैं भारती तनेजा जी के घर पे। जी हाँ, ये वही सेगमेंट है जो आपको बहुत ख़ास है, प्यारा है, क्योंकि हम अपने एंटरप्रेन्योर के पूरे परिवार से मिलते हैं और जानते हैं कि उनकी कामयाबी में परिवार का कितना साथ रहा। वेलकम टू द शो। थैंक यू। बलराज जी, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जब इन्होंने ये फैसला लिया कि मुझे ये बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो क्या आपका रिएक्शन क्या था, किस तरह से लिया आपने इस बात को? मेरा सबसे बड़ा यही इशू होता था कि हमारे बच्चे निगलेक्ट नहीं होने चाहिए, मगर जब इसने फैसला लिया, उस टाइम मेरी मदर रिटायर हो चुकी थी, तो मेरी मदर ने भी ये बोला कि अगर ये कुछ करना चाहती हैं तो इनको करने दें, और अब मैं रिटायर हूँ, घर की देखभाल पूरी मैं कर लूँगी, तो ये अपना फ्री होकर पूरा काम कर लेगी और बच्चों की भी कोई ऐसी बात नहीं होगी, घर भी निगलेक्ट नहीं होगा, तो इसलिए ये चाहे तो कर सकती है। तो तभी हम लोगों ने इस बारे में हाँ बोली। यानी कि भारती जी, आपकी सास का बहुत बड़ा रोल था आपके बिजनेस में आने को लेकर? ही ऑलवेज वॉन्टेड कि मैं बच्चों का निगलेक्ट ना करूँ, तो फैमिली की तरह जो है वो उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दे पाऊँ। तो मेरी मम्मी ने उसको भी, बिज़नेस को भी संभाला, और बिज़नेस शुरू करने के बाद आपको बार बार जाना पड़ता है अपने आप को अपडेट करने के लिए। मैं अलग अलग कंट्रीज़ में जाती रही हूँ पढ़ने के लिए, नए नए कोर्सेज़ करने के लिए। उस वक्त वो मेरा बिज़नेस भी संभालती थी, घर भी संभालती थी, बच्चों को भी संभालती थी और इन्हें भी संभालती थी। शादी आपकी जब हुई तो इट वॉज अरेंज मैरिज और लव मैरिज? अरेंज मैरिज। तो क्या सासू माँ ने आपको पसंद किया? हाँ बिल्कुल, मेरे सासू ने और ससुर जी ने, वो दोनों ही पहले देखने आए थे, उन्होंने ही पसंद किया, ये तो बाद में आए थे, जब उनको पसंद आ गई तभी इन्होंने मुझे देखा। भारती जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बलराज जी ने कितना साथ दिया आपका, और ख़ासतौर पर बिजनेस में इनका इन्वॉल्वमेंट कितना है?
फाइनेंस भी पूरा यही संभालते हैं मेरे बिजनेस का, और हम लोगों का बिजनेस भी कॉम्प्लीमेंटिंग है ना, तो मुझे जो मशीन्स चाहिए, मुझे प्रोडक्ट्स में इनोवेशन चाहिए, सब कुछ है, वो भी यही देते हैं। लेकिन ये तो हो गया बिजनेस का, अदरवाइज भी फैमिली में जो इनका सपोर्ट है ना वो बहुत ज़्यादा है। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे को समझते हैं, हॉबीज एक जैसी हैं। शिखा, हाउ डू यू फील दैट योर कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर ब्रांड्स? आई फील ग्रेट कि मेरे पेरेंट्स ने इतनी मेहनत करी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वंस आई लुक एट माई कंपनी, आई सी द हार्ड वर्क, कितना उसमें मेहनत है, श्रम है। सेकेंडली, हमेशा से मेरे पेरेंट्स ने एक ही बात हमें अच्छे से सिखाई है कि ऑनेस्ट रहना है जी। तो चाहे वो फैमिली में हो, चाहे हमारे रिलेशंस में हो, चाहे वो कंपनी में हो, चाहे हमारे रिलेशंस विद द क्लाइंट हो या परचेजिंग में हो, वी आर ऑलवेज वेरी ऑनेस्ट। एंड आई थिंक दैट इज़ द मेन पावर ऑफ आर कंपनी, एंड दैट इज़ हाउ वी आर डिफरेंट। आपने कब सोचा कि मुझे फैशन एंड ब्यूटी में ही करियर बनाना है? क्या पूरी तरह से अपने पेरेंट्स से इंस्पिरेशन लेते हुए, या फिर रुझान आपका भी शुरू से इसी में था? आई थिंक इट्स बोथ वेज, माई इंटरेस्ट एंड ऑब्वियसली द पेरेंट्स सपोर्ट। इशिका, आपकी मम्मी में एक ब्यूटी एक्सपर्ट के अलावा और क्या क्या खासियत है जो मैं नहीं जानती या हमारे दर्शक नहीं जानते? आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो इनकी रही है इज के शी नोज हाउ टू बैलेंस एवरीथिंग। एंड फर्स्ट, एक तो वो बैलेंस करने में बहुत अच्छी है, सेकेंडली शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। उनके फ्रेंड्स के साथ भी उतना ही अच्छा रिलेशन है जितना फैमिली के साथ है। शी विल सोशलाइज, उसके बाद जब घर पर आएंगी देन शी विल गिव टाइम टू मी ऑल्सो एंड माई सिस्टर बिफोर शी वॉज मैरिड। जी सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि भारती मैम के फेवरेट्स क्या क्या हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो इनकी बिल्कुल कमजोरी है और आपको लगता है कि ये चीज़ इसे मिल जाए तो वो खुश हो जाएगी? जो ज्वेलरी है उसमें बहुत इंटरेस्ट होता है। कितने अकाउंट आपके खाली किए हैं इन्होंने? नहीं नहीं, वो वाला ज्वेलरी नहीं है। ज्वेलरी डजंट मीन डायमंड एंड गोल्ड, ज्वेलरी मीन्स द आर्टिफिशियल ज्वेलरी ऑल्सो, द क्रिएटिव ज्वेलरी, एवरी काइंड ऑफ ज्वेलरी। तो वो इसको बहुत अच्छी लगती, शी हैज गॉट अ वेरी बिग कलेक्शन ऑफ देयर। बाकी कुछ इसके इंटरेस्ट होते हैं जो मैं पूरे नहीं कर पाता हूँ, वो है जैसे इसको फिल्म्स देखने का बहुत शौक है। और मैं, मेरे को फिल्म देखना टाइम वेस्ट करना लगता है। तो मैम को फिल्म बहुत, मुझे देखना पसंद है, बहुत पसंद है, बट मैं जिंदगी में शायद शादी के बाद कभी गई नहीं हूँ अकेली। अगर ये देखेंगे तो देखूंगी, नहीं देखेंगे तो नहीं देखूंगी, पर देखूंगी इनके साथ। थोड़ा सा इनको तंग कर देती हूँ, दो चार छः महीने में एक दो देख लेते हैं, इनके वो घंटे वेस्ट लगते हो चाहे, पर ही मेक्स मी हैप्पी। और सर की हॉबीज़ क्या हैं? हम दोनों को एक ही हॉबी है, जो सबसे अच्छी हॉबी है वो है घूमने की। हम लोग बोलते हैं हम सबसे बड़े घुमक्कड़ हैं, इतना घूमते हैं जब भी हमें मौका मिलता है। बस मौका चाहिए, चाहे इंडिया में, चाहे दिल्ली में, चाहे ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमने ज़्यादातर वर्ल्ड इसीलिए देख लिया कि हम दोनों घुमक्कड़ हैं और घूमने चले जाते हैं कहीं ना कहीं। एक डुएट गा दो अच्छा सा। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जिया ले गयो जी मोरा सांवरिया, जिया ले गयो जी मोरा सांवरिया, लागी मन में लगन हुई पावरिया, जिया ले गयो जी मोरा सांवरिया, जिया ले गयो ले गयो जी मोरा सांवरिया, ओ मोरा सांवरिया, जिया ले गयो ले गयो जी मोरा सांवरिया। नाइस, मैं क्लासिकल सॉन्ग पिक किया, वाओ। चलते चलते मैं सर आपसे जानना चाहूँगी कि जितनी भी वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं उनके हस्बैंड्स को या फिर फादर और यू नो मेल पर्सन इन द फैमिली, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, हाउ दे शुड सपोर्ट? उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि उनको
अपने पार्टनर को सपोर्ट करना चाहिए जितना सपोर्ट कर सकते हैं, आउट ऑफ द वे जाके भी करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता कि हम छोटे हो जाएंगे अगर मैं इसको सपोर्ट करूँगा, या हम लोग बहुत ज़्यादा नीचे हो जाएंगे अगर ये थोड़ा राइज कर जाएंगे। ऐसा मेरे विचार से कुछ नहीं है, इस सोच को बदलना बहुत ज़रूरी है। भारती मैम, जो आज की महिलाएं हैं जो अपने पैर पे खड़ा होना चाहती हैं या कोई भी एक बिज़नेस शुरू करना चाहती हैं, उनके लिए क्या सक्सेस मंत्र आप देंगी? कौन सी ऐसी बात है जो उन्हें जहन में रखना चाहिए जब वो काम शुरू करते हैं? आप घर वालों को इम्पोर्टेंस देंगे तो वो भी इम्पोर्टेंस देंगे और फिर वो आपके बिज़नेस को भी इम्पोर्टेंस देंगे। टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हार्ड वर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऊपर वाले का साथ तो खैर इम्पॉर्टेंट है ही है, लेकिन अगर आप सच्चाई से, ऑनेस्टी से, हार्ड वर्क से और घर को ठीक से मैनेज करके काम करें, आई थिंक एवरीबॉडी कैन डू इट। इट्स ग्रेट टॉकिंग टू यू, बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों से बातें करके, और मुझे लगता है जो एक्सपीरियंसेस आज आपने शेयर किए हैं, सर ने जो बातें बताई हैं, वो लर्निंग है ना सिर्फ कमिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए बल्कि उनके परिवार के लोगों के लिए भी, कि किस तरह से उनका साथ देना है और जो वो रूढ़िवादी सोच है उसे किस तरह से बदलना है, तभी हमारे यहाँ की महिलाएँ भी सक्सेसफुल हो सकती हैं, कामयाब हो सकती हैं और समाज में एक नाम कमा सकती हैं, देश को आगे बढ़ा सकती हैं। इसी सोच के साथ रूबरू में आज इतना ही, अगली बार मुलाकात होगी किसी नई शख्सियत के साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल, टेक केयर एंड बाय। हमारा आज का एपिसोड आपको कैसा लगा और अगर ऐसी ही किसी शख्सियत की कामयाबी की कहानी आप देखना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें, rubaru@saadhananews.net।